पहले छोड़ा। अब आज के बाद जब तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बन जाता तब तक एक समय ही भोजन करूंगा। आने लगा डॉक्टर किरणलाल जी को पता चला वो सैफ दलबल के साथ आए। उन्होंने भी घोषणा की कि अकेला मदन दिलावर आत्मदाह नहीं करेगा, मैं भी यहाँ सैकड़ों लोग जो उपस्थित है हजारों लोग उपस्थित के साथ आत्मदाह करूंगा। उसके बाद डीजीपी स्वयं आए उत्तर प्रदेश और कहा कि आप तो एमएलए हैं, आप कानून को जानते हैं, हत्या के आरोपी नहीं ऐसे नहीं छूट सकते। मेरे हत्या के आरोपी ऐसे नहीं छूटेंगे जो आपने गलत इनके पर आरोप लगाया है तो हम इस धरती पर नहीं रहेंगे। उन्होंने क्या किया कि नहीं किया, लेकिन जब विलंब हो रहा था और भीड़ उमड़ रही थी क्योंकि लाखों कार से वहां थे, सबने सड़क को जाम कर दिया था, तो फिर एक बार पुनः डीजीपी आग्रह करने आए, हम आपसे कह रहे हैं कि आप यहां से हट जाइए नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे गिरफ्तार करने से डरते नहीं है, हम तो इस धरती पर रहना ही नहीं चाहते, आत्मदाह करेंगे, आप गिरफ्तार क्या करोगे तब। उसके बाद मजिस्ट्रेट आए, मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम मैं घोषणा करता हूं कि शाम तक उनको छोड़ देंगे। हमने कहा नहीं, जब तक वो यहां नहीं आ जाएंगे तब तक जाम रहेगा और यदि रात हो गई तो निश्चित रूप से 100% आत्मदाह होगा, दुनिया की ताकत आप कुछ रोक नहीं पाएंगे। फिर दोबारा आकर के इस मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं घोषणा कर रहा हूं कि 10 मिनट के अंदर आपके पास कार सेवक आ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। तो घोषणा करने के बाद हमने फिर वो जाम हटाया, तब जाकर के कार सेवकों को छोड़ा। ये घटना ये थी।